हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों से बात करेंगे AEPS कंपनी के बारे में। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि बहुत सारे जो है AEPS कंपनी बंद होते जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई और डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो हैं हमको जो है कमेंट कर रहे हैं कि हमारा आईडी जो है ब्लॉक हो गया, हमारा आईडी जो है बंद हो गया बिना किसी रीज़न के। तो आखिर जो है रिटेलर आईडी यानी AEPS आईडी क्यों बंद हो रहे हैं? तो बंद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक कारण जो है आप कुछ ना कुछ उससे फ्रॉड या गलती ज़रूर करते होंगे। इसी कारण जो है आपका जो है AEPS आईडी क्लोज यानी ब्लॉक होते जा रहा है। ज़रूर कुछ उससे आप जो है फर्जी करते होंगे। हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई जो हैं, NPCI ने पहले जो अपना रूल्स निकाला था, गाइडलाइंस निकाला था कि आप लोग जो है 1010, 1020 और 3030 के करके पैसा विड्रॉल नहीं करेंगे। बट हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई जो हैं ऐसे पैसे विड्रॉल कर रहे थे। तो NPCI ने अपना गाइडलाइंस निकाला था, उसमें 1000, 2000, 3000 यानी राउंड फिगर में पैसा विड्रॉल करना था। बट हमारे कुछ रिटेलर भाई जो हैं उसमें पैसा कुछ ऐड करके जैसे 1020, 2020 या 3030 करके पैसा विड्रॉल करते हैं, उससे भी आपका आईडी जो है बंद हो सकता है। इसमें और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल किए और कस्टमर ने आपके ऊपर कोई कंप्लेन कर दिया कि हमारा पैसा जो है विड्रॉल कर लिए हैं बट हमको दिए नहीं हैं। यदि वो थाना में जाकर, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर दे, फिर भी आपका जो है आईडी पूर्ण रूप से ब्लॉक हो सकता है। यदि आपका AEPS आईडी कोई भी कंपनी का हो, यदि एक बार ब्लॉक हो जाता है तो आप जो है दोबारा अपने नाम से, उस मोबाइल नंबर से, उस ईमेल आईडी से आप दोबारा जो है अपना कोई AEPS आईडी जो है स्टार्ट नहीं करा सकते हैं। आपको किसी दूसरे के नाम पर ही AEPS आईडी लेना है। कुछ हमारे रिटेलर भाई जो हैं समझते हैं कि हम जो पेनियर बाई का या कोई भी कंपनी रखे हुए हैं तो उससे हम जो बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, हमको पेनियर बाई देख रही होगी, हम उसका बहुत सारा जो है उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमसे जो पेनियर बाई को बहुत सारा प्रॉफिट होता होगा, तो हमारा आईडी जो है कैसे भी हम पैसा विड्रॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कभी बंद नहीं करेगी। बट ऐसा कुछ बात नहीं है, वो NPCI के रूल के हिसाब चलती है। NPCI जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसी के हिसाब से जो भी AEPS कंपनी है अपना रूल जो है चेंज करते रहते हैं। तो आप यदि गलत करेंगे तो पेनियर बाई आपकी आईडी जो है ज़रूर बंद कर देगी, वो NPCI से जो है कुछ भी पंगा नहीं लेगी। यदि वो NPCI के गाइडलाइंस के खिलाफ यदि पेनियर बाई कंपनी नहीं चलता है तो पेनियर बाई आईडी को ही यानी जो भी उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है उन्हीं पे कंप्लेन हो जाएगा। इसीलिए आप जो जब यदि फर्जी जो भी करते हैं उससे आपका जो है पेनियर बाई आईडी या जो भी आईडी है, आप जो भी AEPS आईडी चलाते हैं वो बंद हो सकता है। हम नेक्स्ट में समझते हैं कि यदि आप किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल किए बट कस्टमर के अकाउंट से तो पैसा कट गया बट आपके वैलेट में या ट्रेड बैलेंस में आपका जो है पैसा ऐड नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो है अपने जो भी एप्लीकेशन से पैसा विड्रॉल किए हैं वो पेनियर बाई स्पाइस मनी रेपी पे जो भी है उसे आप एक कंप्लेन कर दें और कस्टमर को 2-4 दिन या 24 घंटा 48 घंटा उसको सांत्वना दे कि आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में ही दोबारा से रिफंड हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है कस्टमर को भी मेंटेन करके रख सकते हैं और कुछ दिनों बाद यानी 24 से 48 या 72 घंटे में कस्टमर के ही अकाउंट में पैसा जो है चला जाता है। और साथ ही आपको ये भी काम करना है कि आप रजिस्टर मेंटेन जरूर करें। दो काम आपको ज़रूर ही करना है, वो कौन कौन सा काम है? तो पहला काम, आप जो है पैसा राउंड फिगर में ही विड्रॉल करें यानी 1000, 2000, 4000, 5000 या 10000 करके ही पैसा विड्रॉल करें और सभी कस्टमर का जो है डाटा मेंटेन करके रखें, यानी जो कस्टमर जब पैसा निकालता है उसका टाइम डेट और उसके सिग्नेचर के साथ आप जो है रजिस्टर मेंटेन करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि यदि कस्टमर आपसे पैसा विड्रॉल कराता है यानी पैसा आप उसका विड्रॉल करते हैं तो उसको आप पैसा दे करके आप उससे सिग्नेचर करा लीजिएगा। तो यदि कस्टमर कभी आपसे बोले कि आप जो है इतना पैसा विड्रॉल कर लिए और हमको इतना ही दिए हैं,
तो जो है कंप्लेन मान्य नहीं होगा। आप प्रूफ के साथ उसको दिखला सकते हैं कि देखिए हमारे रजिस्टर में ये मेंटेन है, हम रजिस्टर में लिखे हुए हैं कि आप इतना जो है पैसा हमारे यहाँ से विड्रॉल करके गए हैं, हम उतना आपको दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि कस्टमर का पैसा हमारे जो है एप्लीकेशन यदि कोई भी आई पी एस कंपनी से कभी नहीं फंसे तो वो भी संभव है। यदि कोई कस्टमर आता है तो सबसे फर्स्ट में आप उसका जो है बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए। यदि बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हो जाता है तब आप समझ जाइए कि सर्वर जो है पूर्ण रूप से ढंग से वर्क कर रहा है। उसके बाद आप पैसा विड्रॉल कीजिएगा तो स्मूथली वो पैसा जो है विड्रॉल हो जाएगा, कभी आपका जो है पैसा जो है नहीं फंसेगा। तो ऐसे भी आप विड्रॉल करके जो है और कस्टमर को पैसा दे सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल टेक्निकल आलोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।